अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पीएनपी सेंसर की वायरिंग कैसे की जाती है पीएलसी के साथ। आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि प्रोग्राम कैसे डाउनलोड करना है। प्रोग्राम डाउनलोड करने के बाद अब हम बात करते हैं कि पीएनपी सेंसर की। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएनपी सेंसर की वायरिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, तो पीएनपी सेंसर में आपके पास एक ब्राउन है वायर, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्राउन जो है वो 24 वोल्ट पॉजिटिव है, और जो आपकी ब्लू वायर होती है वो होती है जीरो वोल्टेजेस, या आप नेगेटिव भी कह सकते हैं उसको। और जो आपकी ब्लैक वायर होती है वो सिग्नल की होती है, और सिग्नल आपका क्या होता है, वो पॉजिटिव हो रहा होता है, मतलब कि 24 वोल्ट। पीएनपी सेंसर जो है वो आपको 24 वोल्ट देता है, ठीक है। तो आपने पीएलसी के साथ क्या करना, जो पीएलसी का डिजिटल इनपुट का कार्ड है, पीएलसी का जो डिजिटल इनपुट का कार्ड है उस पर जो उसका कॉमन होगा, उसके कॉमन को आपने 0 वोल्ट प्रोवाइड कर देने, और जो आपका चैनल 1 है, चैनल 2, वहाँ पे आपने अपनी जो है वो ब्लैक वायर यूज़ कर लेनी है, ठीक है। ये एक सिंपल सा तरीका है वायरिंग का। अच्छा, वायरिंग करने के बाद हमने एक पीएलसी का प्रोग्राम बनाया हुआ है। हम जाते हैं OB1 में। OB1 में हम क्या करते हैं, OB1 में हम एक आउटपुट जनरेट करते हैं। जैसे ही सेंसर ऑन हो, ठीक है, जैसे ही सेंसर ऑन हो एक आउटपुट ऑन हो जाए, ठीक। हमने सेंसर की वायर लगाई हुई है I 0.1 के ऊपर, I 0.1, ओके। I 0.1 के बाद आपके पास जो है वो Q 0.0 ऑन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, Q 0.0 ऑन होने के बाद आपके पास जो है वो सिंपल, हमने एक आउटपुट ऑन करवा ली है। जैसे ही ये सेंसर की बिट आएगी, हमारे पास एक आउटपुट ऑन हो जाएगी। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इसके साथ एक और हम टाइमर भी यूज़ कर लेते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा थोड़ी सी अच्छी हो जाए। अच्छा, टाइमर ऑपरेशन में आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, टी ऑन, ऑन डिले टाइमर, ठीक है, ऑन डिले टाइमर। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे आप 5 सेकेंड्स का टाइम दे सकते हैं, 5 सेकेंड्स का टाइम देते हैं, ठीक है, 5 सेकेंड्स का टाइम देते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे एक हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, बल्कि कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं, Q 0.0, ठीक है, Q 0.0 जब ऑन हो जाए उसके 5 सेकेंड्स के डिले के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, Q 0.1 को ऑन करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम में होता क्या है। आज हमने बेसिकली एक सिंपल सा तरीका देखा है कि कैसे एक पीएनपी सेंसर की वायरिंग की जाती है, और वायरिंग के बाद उसको कैसे हम जो है वो पीएलसी के साथ, मतलब के यूज़ किया जा सकता है उसको, ठीक हो गया। प्रोग्राम हम डाउनलोड कर चुके हैं पीएलसी के अंदर, और पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डाउनलोड करने के बाद हम अभी सेंसर को ऑन करवाएंगे, ठीक। अच्छा, सेंसर को हम ऑन करवाएंगे कोई मेटल ऑब्जेक्ट इसके हम आगे करते हैं। ये हमने एक मेटल ऑब्जेक्ट इसके आगे किया। अच्छा, इसकी जैसे ही बिट आई है, आपने देखा है कि Q 0.0 जो है वो ऑन हो गई है। Q 0.0 के ऑन होने के बाद 5 सेकेंड्स के बाद आपने देखा है Q 0.1 भी ऑन होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे ही बिट चली गई तो दोनों आउटपुट्स ऑफ हो गए, ठीक है। एक आउटपुट ऑन हुई, उसके 5 सेकेंड्स के बाद दूसरी आउटपुट भी ऑन हो गई, ठीक हो गया। ये एक सिंपल सा तरीका, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जो है वो आप जो हमारे कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। होपफुली फ्रेंड्स, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सेंसर की वायरिंग आपने पीएलसी के साथ कैसे करनी है।
अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा आपको ये एक स्क्रीन के ऊपर एक इमेज नज़र आ रही होगी, ये पीएनपी वायरिंग की इमेज है। आपके पास पीएनपी सेंसर 3 वायर का सेंसर होता है। आपको मैंने बताया है पीएनपी सेंसर जो है वो पॉजिटिव आउटपुट जनरेट करता है। पॉजिटिव आउटपुट जनरेट करने की सूरत में आपने जो पीएलसी का चैनल है उसका जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे आपने 0 मतलब के देना है, मतलब के ग्राउंड यूज़ करना है। पावर सप्लाई का जो 0 वोल्टेजेस हैं वो आपने अपने कॉमन के साथ या यहाँ जहाँ पे बाज़गत कॉमन लिखा होता है, मगर सीमेंस के केस में आपके पास वहाँ पे मेंशन होगा एम, ठीक है। तो डिजिटल इनपुट के ऊपर आप जो डिजिटल इनपुट का चैनल है वहाँ पे जो कॉमन है 1 एम जहाँ पे मेंशन होगा वहाँ पे आपने 0 वोल्टेजेस अप्लाई करने। और जो सेंसर की हमने वायरिंग की है, जो सेंसर की हमने ब्राउन और ब्लू पे जो है वो 24 वोल्ट्स प्रोवाइड किए हैं, और उसके बाद जो हमारे पास ब्लैक वायर थी जो सिग्नल की वायर है वो हमने यूज़ की है I 0.1 के ऊपर। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सेंसर की वायरिंग कैसे की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं टिया पोर्टल V16 के अंदर। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।